guys, welcome back to my channel. My name is Kanika and first of all, happy new year to you and thank you so much for subscribing to my channel. अगर आप में से कोई है जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो देख रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स. आई एम सो हैप्पी एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि नए साल का जो वीडियो डालूंगी दैट इज गोइंग टू बी माय ऑल टाइम फेवरेट मार्केट सरोजनी नगर. मैं अभी रिसेंटली भी सरोजनी नगर होकर आई थी दिसंबर में एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि इस समय नए साल का क्या नया कलेक्शन आया हुआ है मार्केट में. आज मंडे है तो मैं मंडे मार्केट पूरी की पूरी एक्सप्लोर करने वाली हूँ आपके साथ. So let's go to the market. But before that, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगेगा. शेयर द वीडियो एंड मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आज भी जो मैं लेकर आऊँगी एंड व्हाट्स लाइक जो भी मैं लेकर आई हूँ लास्ट वीडियो में जो भी मैं मतलब लास्ट में सरोजनी नगर गई थी तब मैं वहाँ से क्या लेकर आई हूँ मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. इस बार बच्चों के हिसाब से मुझे कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा. ये जो स्वेटशर्ट्स थी ये 2 से 6 साल के बच्चों के हिसाब से थी, अलग अलग साइज़ में थी और ये सिर्फ 100 रुपये की थी और इसमें इतनी वैरायटी थी, इतने कलर्स अवेलेबल थे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है. और इनमें कोई भी कट वगैरह नहीं था तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी. बच्चों के कपड़ों में कोई भी कट वगैरह मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा. नाइट सूट्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी मार्केट में. अगर आपका साइज़ एक्सेल तक है तो आपको बहुत आराम से ये नाइट सूट्स आ जाएंगे. बहुत ज़्यादा अगर आप हैवी हैं तो फिर उस हिसाब से नहीं थे, ये एक्सेल साइज़ तक ये अवेलेबल थे क्योंकि ये स्ट्रेचेबल थे. ये जितने भी ये पजामे हैं बेसिकली इसके ऊपर का टॉप नहीं था बट इसके साथ का टॉप जो था वो अवेलेबल था. खाली जो पजामा है ये 150 रुपये का था. इवन ये जो आप आगे स्वेटर्स देख रहे हैं ये 250 रुपये में थे. ये स्वेटर्स वगैरह लाइक बड़ी एज की जो लेडीज़ होती हैं जो साड़ी के साथ कैरी करना चाहती हैं स्वेटर या फिर सूट के साथ अगर आप पहनना चाहती हैं तो उस हिसाब से 200-250 रुपये में अच्छा कलेक्शन था. इस तरफ ये जो स्वेटर्स थे ये थोड़े इससे हल्के थे, ये 150 रुपये में थे बट ये भी सही थे. इस बार मुझे इयररिंग्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं दिखा, अभी जो पुराना कलेक्शन है वही चल रहा है मार्केट में. अभी क्रिसमस तो ख़त्म हो गई है लेकिन मार्केट में एक तो शॉप्स में मुझे ऑर्नामेंट्स दिखे. तो अगर आप क्रिश्चियन हैं या सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं क्रिसमस को तो आप अभी ऑर्नामेंट्स लेके रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर. आप देख सकते हैं कितने अच्छे पैटर्न्स, कितने अच्छे ऑर्नामेंट्स हैं. ये मुझे फ्लावर बहुत अच्छा लगा था बट सिंस मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ क्रिसमस तो इसलिए मैंने लिया नहीं. अदरवाइज़ इतने सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स थे और डेकोरेटिव पीसेस थे यहाँ पर कि आप कुछ भी ले सकते हैं. ये सब पैक्ड थे तो वो अगर आपको लेना है वो सिर्फ तभी आपको खोल के दिखाएंगे. 20-30 रुपीज़ में थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है. अब विंटर्स हो और कंबलों की बात ना हो तो ऐसा तो खैर हो नहीं सकता है. मार्केट में स्पेसिफिक एक दो शॉप्स में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था कंबल का और रजाइयों का और इसके प्राइजेस काफ़ी कम थे और वैरायटी बहुत थी तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे नीचे शॉल वगैरह थे, ये तो बेसिक प्राइस था इनका 100-200 लेकिन कंबल वगैरह के हिसाब से आप अगर अच्छे प्राइजेस में देखना चाहते हैं वैरायटी तो आप यहाँ से ले सकते हैं. इस बार मुझे लॉन्ग कोट्स का और ड्रेसेस का कलेक्शन भी दिखा. सिंस अब विंटर्स जो हैं वो एक महीने में ख़त्म हो जाएंगी तो इस बार अब मुझे ड्रेसेस या फिर गर्मियों के हिसाब से टॉप वगैरह का कलेक्शन भी काफ़ी दिखा. प्लाजोज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे तो अगर आप इस समय लेना चाहते हैं तो अच्छा है. ये मेरे को चेक वाली जो ड्रेसेस हैं ये बहुत अच्छी लगी. इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी कलर्स की तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है. गर्मियों के हिसाब से भी अच्छा ऑप्शन था. यहाँ ये जेंट्स के लिए स्वेटर्स और जैकेट्स वगैरह थी, ये खाली 200 रुपये की थी तो मेरे हिसाब से 200 रुपये में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है अगर आप देखना चाहें. ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि कोई कट ना हो. अभी इसमें से मुझे एक स्वेटर पसंद आया था ब्लू कलर का लेकिन उसमें एक कट था तो इस वजह से वो मैंने लिया नहीं. वो खाली 200 रुपये का था तो अगर आप जेंट्स के लिए घर के हिसाब से भी लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से अच्छा कलेक्शन है. इस बार सरोजनी में ये चीज़ ज़रूर है कि सिर्फ लड़कियों के हिसाब से नहीं लेकिन लड़कों के हिसाब से भी बहुत अच्छा कलेक्शन है. काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम प्राइस में. स्वेटर्स की तो इस बार इतनी ज़्यादा वेराइटी थी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं. मंडे को जाने का बेस्ट पार्ट ये होता है कि नॉर्मली अगर कोई चीज़ आपको 200 की मिलेगी तो आज के दिन ये 100 की है. मैं जब पहले गई थी दिसंबर में तो यही जो स्वेटर्स थे ये 200-300 रुपये के थे लेकिन सिर्फ ये मंडे को मैं आई थी तो यहाँ पर ये स्वेटर्स जो थे ये 100 रुपये के थे. अंदर ये ड्रेसेस स्वेटर्स के जो ड्रेसेज हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी. जो गर्म बेसिकली ड्रेसेज होती हैं बहुत अच्छी थी. ये स्वेटर्स में इतना अच्छा कलेक्शन था ओनली फॉर 100 रुपीज़. तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप नॉर्मली किसी दिन जा रहे हैं तो बेटर है आप मंडे को जाके देखिए क्योंकि मंडे को आपको कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा और काफ़ी कम प्राइजेस में सेम चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी. ये स्वेटर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था बट ये थोड़ा ओवर साइज़ था.
सो गाइज, मैं जस्ट अभी आई हूँ मार्केट से, लाइक 10 मिनट्स बैक. इतना ज़्यादा क्राउडेड था आज मार्केट, जैसे सब लोगों को आज ही शॉपिंग करनी थी. एक्चुअली मंडे को ना थोड़े से प्राइसेस जो होते हैं वो काफ़ी थोड़े से कम होते हैं, तो उसकी वजह से क्राउड ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा होता है. तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मैंने क्या क्या लिया. सबसे पहले आई गॉट दीज फ्रूट्स, आई गॉट दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ईयरिंग्स. मैं बहुत टाइम से ये देख रही थी, H&M पे भी मैंने इस तरीके का देखा था, दैट वॉज फॉर 799 एंड आई गॉट दीज फॉर ओनली 50 rupees. इसमें तीन साइजेस अवेलेबल थे, ये मीडियम साइज है, इससे छोटा एक साइज था और एक इससे काफ़ी बड़ा साइज था, तो आई थॉट कि ये मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा. मेरा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसके हिसाब से आई रियली लाइक इट, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने एक ये लिया. देन आई गॉट वन स्वेट शर्ट घर के लिए, एंड इसमें पीछे इस तरीके से कोरियन में लिखा हुआ है, कोरियन या चाइनीज़ जो भी है बेसिकली उसमें लिखा हुआ है ये. एंड आई गॉट दिस फॉर ओनली 100 rupees. ये ऑरेंज कलर का स्वेट शर्ट है, रियली लाइक इट, बिल्कुल प्लेन है, मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए था तो मैंने इसलिए लिया है, मुझे अच्छा लगा ये काफ़ी. आप ऑब्वियसली मार्केट में जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं पर कोई कट ना हो, कुछ ना हो. मेरे को अभी शॉप नंबर ध्यान नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी नीचे मैंने कौन से शॉप से लिया है. तो दिस वॉज ओनली फॉर 100 rupees. ये मैंने अपने लास्ट जब मैं सरोजिनी नगर गई थी दिसंबर में, ये मैंने तब लिया था. तो दिस वन ये काफ़ी अच्छा है, ये मैं एक बार पहन के धो भी चुकी हूँ, तो आई रियली लाइक ड्रेस, अच्छा है ये, इसका फिट वगैरह सही था. और यार 100 rupees में क्या है, घर में पहनने के लिए चाहिए था मुझे. अब सिंस दिल्ली में विंटर्स थोड़ी सी कम हो गई हैं, तो मैंने स्वेटशर्ट या कुछ तो नहीं लिया, बट आई हैव गॉट दीज टू गॉर्जियस मफलर्स. ये मफलर मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बिलीव मी इट, दीज वर फॉर अराउंड 150 rupees. बिलीव मी गाइस, ये इतने सॉफ्ट है और इतने प्यारे हैं. इसमें इतनी ज़्यादा वेराइटी थी, जस्ट सी हाउ गॉर्जियस आर दीज. शाम के टाइम इनको स्टाइल करना, एंड ओवरऑल आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा. ये समवॉट क्रीम शेड है इसका, एंड द सेकेंड वन दैट आई गॉट इज समवॉट पिंक शेड. मेरे को थोड़ा ब्राइट शेड नहीं लेना था, इसमें इतने ज़्यादा शेड्स अवेलेबल थे और बहुत अच्छा क्वालिटी था इसका. आई कैन जस्ट टेल यू कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, इट्स रियली नाइस, मेरे को काफ़ी सही लगा ये. दीज बोथ वर फॉर 150 rupees ईच, एंड इसका जो क्वालिटी है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. आई रियली लाइक इट, यू कैन जस्ट सी हाउ गॉर्जियस इज दिस. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट. मार्केट में भरा पड़ा था यार, जैकेट्स, स्वेटर्स, स्वेट शर्ट्स, विंटर वेयर तो इज बहुत सही है. एंड इस समय क्रिसमस के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो अगर आप अगले साल के लिए कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं क्रिसमस के लिए, तो इवन यू कैन गो देयर एंड बाय स्टफ. बेसिकली जो मार्केट में आपको चीज़ 150 या 100 rupees की मिलेगी, यू विल गेट दैट फॉर अराउंड 20 rupees 30 rupees इस समय, जो भी क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है इस समय मार्केट में. सो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. And do like the video, share the video, and thank you so much for watching. Bye-bye.